हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ दिनों से मुझे उसके पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रहा है इस बारे में। तो वो चीज़ जो है फ्लाई, मक्खी का प्रॉब्लम। ये मशरूम इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो इन भाई साहब से कभी ना कभी आपको ज़रूर मुलाकात हुआ होगा। और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए कम हो जाता है बट फिर से वो डेवलप हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली क्यों ये प्रॉब्लम ये सर्कुलेट हो रहा है और इससे आप कैसे परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब माइसिलियम हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं ग्रो कर पाता, तब कटता है। ये सबसे बड़ा चीज़ वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जी हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है यही एक चीज़ है जो मक्खियों को बुलाता है, भाई आओ मेरे पास। हाँ, तो बैक्टीरिया और मक्खी का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, बोल सकते हैं कि जहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन रहेगा वहाँ पर मक्खी रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपके फार्म में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्टेड जो बैग्स है वो कौन सा है। तो उसको अलग जगह के जाके ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। तो पहला का जो चीज़ है, देखिए हमारा मक्खियों का भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, बहुत वैरायटी का मक्खी होता है। तो कुछ मक्खी होता है कि वो बैक्टीरिया के लिए आता है, कुछ मक्खियाँ होता है कि वो मशरूम फूड बॉडी को। टाइम आप देख सकते हो कि आपका जो फुल ग्रोथ बैग है उसमें मक्खियाँ ज़्यादा अटैक नहीं करते, बट मक्खी सबसे ज़्यादा पहले अटैक करता है कि जहाँ पर आपका फुल ग्रोथ बैग अगर ना हो। कुछ कुछ जगह पे दिख जाता है कि सब्सट्रेट दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे माइसिलियम फैल चुका है, बट ये जो पोजीशन है, ये जो इफेक्टेड बैग है, यही आपका जो फार्म में ये सर्कुलेशन बरकरार रखता है। क्योंकि अगर आपका फार्म में आ रहा है साइपरमेथ्रिन बोल के एक लिक्विड है, वो मैं कॉम्पोजिशन का नाम बता रहा हूँ, मैं दिखा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पे। साइपरमेथ्रिन आप यूज़ अगर करते हो तो मोटा मोटी आपका 3 दिन के लिए आपका जो रूम है वो मोटा मोटी आपका एक सिक्योर जोन में रहेगा, बट वो तो फिर से प्रोड्यूस होगा ना। प्रॉब्लम हो जा रहा है कि जहाँ बैक्टीरियल इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे कि समझ लीजिए अभी समर का सीजन चल रहा है, समर में अगर आप ऑयस्टर लगाने जाओ तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा बस, क्योंकि ये ऑफ सीजन कल्टिवेशन है। हाँ, यहाँ पर प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है, बट ये ऑफ सीजन कल्टिवेशन जब होता है तो उसमें चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है कि आपका कंटामिनेशन आ जाए, बैक्टीरियल इफेक्ट आ जाए। तो देखिए, बैक्टीरियल इफेक्ट में ही छुपा है आपका पूरा मक्खी को जो कंट्रोल करने का जगह है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि आप जब सब्सट्रेट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी के साथ आपका सब्सट्रेट के हिसाब से 1% अगर प्लैंटोमाइसिन आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लैंटोमाइसिन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको दिखेगा कि आपके बैग में बैक्टीरियल इफेक्ट आने का चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं एकदम आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा घिरे हुए हैं बैक्टीरिया और मॉल्ड से। तो फुल स्टेरिलाइजेशन बोल के कुछ बात नहीं होता है, कहीं ना कहीं 99.99 रह ही जाता है। इसीलिए बैक्टीरियल इफेक्ट आ सकता है, मक्खी आ सकता है, बट आपको अगर मक्खियों को कंट्रोल करना है तो ज़रूरी है आपको बैक्टीरिया इफेक्ट जो बेड है उसको अलग जगह पे रख के आपको ट्रीट करना पड़ेगा। और बैक्टीरियल इफेक्ट का कोई ट्रीटमेंट वैसे होता नहीं है। आपको कुछ कुछ ऐसा बैग आपको दिखा दूंगा मैं, वैसा होता है कि थोड़ा थोड़ा जगह पे जो माइसिलियम रब नहीं हुआ है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक कर्म काम कर सकते हो आपका, जहाँ पर मैक्सिमम अच्छा बैग है उससे हटा के दूसरे कहीं जगह पे रख के थोड़ा बहुत जितना भी प्रोडक्शन आता है वो ले सकते हैं, बट ज़रूरी है कि आपके फूडिंग रूम से वो बाहर होना चाहिए, नहीं तो ये मक्खियों का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो
Please like this video and subscribe this channel. Thanks for watching. Namaskar.